गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, हम भी बढ़िया। आवाज़ को इग्नोर करना, रात को लेट सोए थे इसलिए भारी भारी हुई हुई है। और मैं उठ के नहा चुका हूँ और गुरनीत मम्मी तो तैयार भी हो चुके हैं। दिखाता हूँ, गुरनीत मतलब तैयार है, हेयर स्टाइल रह गया है, हो रहा है वो, और मम्मी का मेकअप हो चुका है, कपड़े पहने हैं, तैयार हैं, और हम अभी ऐसे घूम रहे हैं। देखो मैं नहा के आया हूँ अभी, तो मैं तैयार होता हूँ, फिर मिलते हैं। आज पहली बार हुआ है टाइम से पहले रेडी हो गई है। चलिए अब वेट करो, अभी तो 45 मिनट्स हैं तैयार होने में और जाने में। हाँ चलो ठीक है, बाय, सो जाओ। आज फिर पोपट हो गया कि जो मैंने शर्ट पहनी थी उस पे लग गई है प्रेस, और ब्लेजर वगैरह सब कुछ मैं मतलब पहनने ही लगा था शर्ट, उसमें देखा कि वो निशान पड़े हुए प्रेस के, तो मेरे को दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा और ऑलरेडी लेट है। फिर मैं शर्ट लेके घर आऊँगा, फिर दोबारा मैं ब्लेजर वगैरह पहन के फिर फंक्शन में जाता हूँ। मैं निकल रहा हूँ भी, नहीं तो मैं आज तो पक्का लेट हो जाऊँगा फंक्शन के लिए, तो निकलता हूँ फिर बाद में मिलता हूँ। A few moments later. तो ये शर्ट है जो मैं लेके आया हूँ, पहन लिया मैंने, अब पूरा रेडी होता हूँ। अभी दमन का फ़ोन आया, दमन जा चुका है, डैडी जा चुके हैं, तो फ़ोन आया कि जो परफॉर्मेंस वाले सॉन्ग्स हैं वो रह गए हैं, तो वो सिस्टम मैंने ऑन कर लिया। मैं डाल लेता हूँ फटाफट क्योंकि जाना है और लेट हम ऑलरेडी हो चुके हैं मेरी वजह से। कल जो मैंने मेहंदी लगवाई थी वो देखो, उसका रंग कितना अच्छा है, गिन्नी लिखवाया था मैंने, एकदम मस्त चढ़ा हुआ है। तो तैयार भी मैं हो चुका हूँ, सॉन्ग्स मैंने डाल लिए हैं, बस अब हम 2-4 मिनट में निकल रहे हैं और फिर वहीं फंक्शन पे जाके आप लोगों से मिलते हैं। सो ये मेरा आउटफिट है आज का, बढ़िया मस्त, अपने आप को तो मस्त लग रहा है, बाकी जब बाकी देखेंगे तो फोटोज अच्छी आनी चाहिए, बस बाकी आउटफिट का क्या है ना। ये देखो कितना औखा है ना, इतने भाई गाँव में पहन के उतरना। सो मुंडा तैयार है, आज सगन है, वो देखो ऊपर पोर्ट्रेट शूट हो रहा है भाभी का, तो अब हम ऊपर जा रहे हैं इसको लेके। उसको टेंशन हो रही है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस कैसे देनी है। लाते मेरी दुख रही है इसलिए मुझे हमारी भी दुख रही है, कल लाते डांस किया, सबकी दूसरी दुख रही है, कल इतना डांस किया ना, दूसरी भाभी अरे भाभी हेलो भाभी, तुहानू की फीलिंग आ रही है तुसी अपनी दसो, एदा तो हो चुका हुण, तुसी किद्दां दा फील कर रहे हो, नर्वस है? देखो ये टेंशन ले रही है, इसने तो कल शादी में पहना वो भी रेडी नहीं है लहंगा, मतलब दिया था ठीक होने के लिए, तो ठीक होने के लिए बनने के लिए मतलब पूरा ही बनना था ऊपर का, तो अभी तो वो मिल ही नहीं था। मूड देखो कल की टेंशन ले रही है, अभी आज का तो एंजॉय करो, मिल जाएगा आपको। नया ले लेना रेडीमेड। हाँ हम चांदनी चौक जाएंगे 5 बजे। बैक स्टेज अपना काम, परफॉर्मेंस की तैयारी है प्रॉपर बढ़िया तरीके से। मम्मी डैडी का शूट चल रहा है, तो ये डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। भाई किस किस को टेंशन है डांस की? सबका टेंशन है डांस। सारे नाच रहे थे, आधा हमें देखा, मेरे को एक स्टेप किया ये वाले। चलो उधर अंदर जा रहे हैं प्रैक्टिस करके। ये देखो पिज़्ज़ा, जहाँ दिख जाए ना इसको पिज़्ज़ा खाना होता है, अब ये वहाँ पे सर्व नहीं कर रहे तो पिज़्ज़ा लेने आया हूँ। लास्ट शादी में भी याद होगा मैं स्पेशल किचन में गया था पिज़्ज़ा लेने, और ये अब यहाँ फिर पिज़्ज़ा लेने खड़ा हूँ मैं। तेरे को टाइम है? सच में टाइम है?
अलग इम्पोर्टेंस है, ब्याह के बाद पहली शादी है ना, रिंग सेरेमनी होने लगी है बस, उसके बाद प्री वेडिंग दिखाएंगे और परफॉर्मेंस। ये लोग ना तीनों खड़े परफॉर्मेंस की वेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कब होगा, फंक्शन लेट चल रहा है। पुनीत पापी जी अभी सामने बैठो बेटा, सामने इस कैमरे पे। फिर आ रहे हैं आप यस। आपको टेंशन है ना शाम को क्या पहनना है? आप सोचो तब तक मैं वीडियो बना लेता हूँ। सोच लिया शाम को हैं? ये देखो कितनी कितनी क्वांटिटी डाली है। ये कह रहे खाने नहीं है, सूंघ के छोड़ दो बस। ये तो आपको पहले छोले दिखाए थे, फुलकों का साइज देखो, छोटे छोटे से छोटे छोटे टिड्डे टिड्डे। तो यहाँ पे सब डन हो चुका है, खा लिया पी लिया और अब हम यहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे, चेंज करेंगे और रात को फिर है मेहंदी, नहीं क्या कौन सा हल्दी, हल्दी तो हल्दी है 7:30 बजे की, तो तैयार होकर फिर वहाँ पर पहुँचना है, तो मिलते हैं फिर बाद में। सबने इस कैमरे देखना, कितने और नहीं देखना, सामने देखो बस। चलो पोर्ट्रेट्स रह गए हैं, बाकी सामान समेट गए हैं, फटाफट घर जाते हैं, चेंज करते हैं। सो वी आर बैक, तो अब तैयार होना है दोबारा, पगड़ी चेंज करूँगा, कुर्ता पजामा पहनना वाइट, और उससे पहले हमने मार्केट जाना है क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा कुर्ता छोटा हो गया था, छोटा क्या टाइट हो गया था, तो नया बनवाने दिया है, वो मिलना है, और फिर उससे पहले गुरनीत का गाउन जो उसने कल पहनना है वो आज मिलना है, लहंगा, तो हमने पहले वहाँ पर भी जाना, उसके बाद अपना कुर्ता पिक करूँगा, फिर घर आऊँगा, तैयार होऊँगा और 7:15 हमें साउथ एक्स पहुँचना है, वहाँ है मेहंदी का फंक्शन, नहीं यार बार बार मेहंदी निकलती है, हल्दी का फंक्शन, तो फिर अब थोड़ी देर में मिलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। एमरजेंसी का काम ऐसे होते हैं, देखो ना मेरा कुर्ता मिला शेरवानी वाला, ना इसका गाउन, ऐसे देखो क्या तो बैठी है गाउन की, बहुत औखा है यार वेट करना, इसका गाउन अभी भी नहीं हुआ, और जो मेरा कुर्ता है वो होगा डिलीवर घर, लेट वो भी है, लेट हो गई बट वेट तो मेरे को करना पड़ रहा ना यहाँ पे, मेरा वाला क्या आपने पहुँच जाएगा घर पे, मैं नहीं आऊँगा, नीचे वाला को दे जाएगा और उनसे मैं फिर लेके ताकि अपना फंक्शन तैयार हो जाऊँगा फटाफट, लेकिन इसका होगा। चलो दिन का आउटफिट सेकंड, अब है मेहंदी, तो तैयार हो गए अब निकलते हैं, फ़ोन आ गया कि लेट है, ऐसे ही है फिर हम लेट ही पहुँचते हैं ना, वीआईपी लोग लेट ही पहुँचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम से पहुँचते हैं हम, सारे फंक्शंस पे टाइम से पहुँचे हैं, चाहे मेरी शर्ट मेरे को नई लेने जानी पड़ी और सब प्रॉब्लम्स हुई वो सब कपड़ों के साथ, बट ठीक है अब मैं तैयार हूँ, मैं जा रहा हूँ, पहुँच के मिलते हैं, टाटा। Thank you.
मतलब मुश्किल कर दिया उन्होंने। अपना याद आ गया मेरे लिए तो आप लोगों ने वो किया था ना गुट ताकि मैं खोल ना पाऊंगा सेम चीज हो रही खोल नहीं पाए थे ना फिर भी मैं भाभी ऐसी बैठ खोली ये देख के डैडी मेरी होगी मैं खोलेगा मिल गया सेम ही है चाबी है पीछे का पड़ा खड़का खड़का कर रहा है कहाँ जा रहा भाई जादू मोमोज का शादी की रोटी छोड़ के येलो दाल बनी येलो दाल बनी है किसी ने नहीं खानी इसलिए जा रहे हम घर का खाना छोड़ के आते शादी का हमारा घर में लाइव हो जाए मेन्यू कार्ड दे दो गंदा गाना कई घर है ये कपल जाना कपल जैसे तो फाइनली अब घर आ चुके हैं हम और मेहंदी का फंक्शन भी बहुत अच्छा रहा आपने देख ही लिया है शॉर्ट्स देखे हैं आपने हम फिर बाहर खाने गए थे क्योंकि मोमोज खाने थे हमने और फिर हम चारों पांचों जाने मोमोज खाने गए थे बिना बताए तो अब बस फिर कल की तैयारी है अभी फटाफट चेंज करते हैं लेट हो गया सुबह हमने उठना है 5:30-6 बजे क्योंकि बस गुरनीत ने तैयार होना है मम्मी ने तैयार होना है पार्लर वाली ने आना उनके तो फिर हम भी उठेंगे और तैयार होंगे हमने वहाँ पहुँचना है 8:00 बजे और 9 बजे की सेराबंदी मतलब 9 बजे से पहले पहुँचना है 9 बजे की सेराबंदी और फिर वही मतलब वेडिंग तो आगे जाएंगे जहाँ वेन्यू है तो बस अब गुड नाइट है क्योंकि थकावट बहुत है लातों में ना इतनी दर्द हो रही है ना इस टाइम क्या ही बताऊँ तो अब चेंज करते हैं और सोते हैं फिर आपसे कल मिलते हैं बाय बाय।